नली और दस्ती का पीस है जी, और ऊपर से आगे ये बढ़िया सी ग्रेवी। एंड हमें ऐसे कोई शक्ल नहीं देखनी, हमें ऐसे करते रहना है। रेशे देखो भाई साहब अंदर है कोई गल बात। 90 रुपए भाई जी, 90 बाबे, 90 रुपए से कुछ नहीं मिलना। और भाई एक और सर बाइक में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका अपना हरिया, और आज हम हैं जी करोल बाग में, दिल्ली में। और भाई साहब 70 रुपए में चिकन, 90 रुपए में मटन, ये देख के ना वैसे ही मैं मतलब सुबह आज बिना चाय के उठ गया, मेरे कान खुल गए, मेरी आंखें खुल गई, मैं तो खुश हो गया। आपको भी खुश करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ का जो स्वाद है, यहाँ का जो जायका आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बहुत ही बढ़िया एक प्लेस है करोल बाग में। और मैंने ना उनसे पूछा, मैंने कहा कि भाई इतना सस्ता आप कैसे दे रहे हो, वो आपको भी बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ। आपको लोकेशन शेयर करता हूँ, टाइम सब कुछ बताता हूँ। सर सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम दिया। अपना नाम बता दो प्लीज। हरप्रीत सिंह सेठी। हरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। पाजी मुझे बताओ कि आप क्या बना रहे हो? ये मगज फ्राई है। ये है जी मगज फ्राई पाजी का, और ये कढ़ाई के अंदर बढ़िया तरीके से मजे में बन रहा है एकदम। एंड यहाँ पे पाजी आपने कढ़ाई और ये सब का सेटअप रखा हुआ है? हाँ जी जी। इसमें क्या क्या बनाते हैं आप? मगज बनाते हैं। तो ये देखो जी, ये है यहाँ की स्पेशल ब्रेन करी। ब्रेन फ्राई बोलते हैं, ब्रेन करी बोलते हैं आप? ब्रेन करी। ब्रेन करी बोलते हैं जी। और किस में बन रही है? देसी घी में? नहीं, मक्खन में बनती है। ये मक्खन में बनी हुई ब्रेन करी है जी, बहुत ही बढ़िया एकदम मसालेदार। भाजी ये क्या है इसमें? ये साग मटन है जी। दिखाइए सर इधर, ये देखो जी एक बढ़िया से बर्तन में ये है साग मीट। ये सर बन के तैयार है? हाँ जी तैयार है जी। वाह, गर्मी में भी साग मीट बनता है? 12 महीने मिलेगा। 12 महीने यहाँ पे आपको साग मीट मिलेगा जी। भाजी साग फिर आप कैसे अरेंज करते हो? ये 12 महीने चलता है, सुखा के रख देते हैं इसको। अच्छा, साग को सुखा के रख लेते हैं? कसूरी साग। जैसे मैं गली में आया ना, वहीं पे पता चल गया कि कुछ स्पेशल बन रहा है। तो ये रेसिपीज वगैरह किसकी है? मेरे फादर साहब की। आपके फादर साहब की रेसिपीज है? कब से ये लगा रहे हो? 10 साल हो गए। 10 साल से? और उन्होंने कहाँ से सीखा? उनका बचपन से ही काम था, खानदानी काम था। अच्छा, इसका दे दिया। मेरे फादर साहब बचपन से ही काम कर रहे थे। अच्छा, वो उनसे मैंने सीखा है। अच्छा, उनका कहाँ पे सेटअप, मतलब कहाँ पे था? उनका पंजाब में था, अमृतसर में। अमृतसर में कहाँ पे? हमेशा सुल्तानगंज रोड में। ये चिकन करी है? ये चिकन करी लग रही है जी। और करी के अंदर ना तेज पत्ता तो भाई साहब ऐसे ही घूम रहा है, देखो उधर लहरा रहा है तेज पत्ता, तो खड़े मसाले वगैरह सब डाला हुआ है। ये 70 वाली है सर? ये 70 वाली है। ये 70 वाली प्लेट है आपकी? कस्टमर लेग पीस मांगे या सीना मांगे देते हैं? तो मतलब कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर सीना मांगे या लेग पीस मांगे उस हिसाब से सर्व करते हैं। लगा बेटा बार। ग्रेवी, ये जो ग्रेवी है ये भी मक्खन में किस में बनी? ये देसी घी। देसी घी में बनी। क्या आप मतलब हाथ में हाथ डाल के बैठना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि हाथ कड़छी चलती रहे? कड़छी चलती है। चिकन की डिमांड थोड़ी ज्यादा है? गर्मी में चिकन ज्यादा चलता है जी जी, और सर्दी में मटन ज्यादा चलता है। साग मीट खाने वाले शौकीन लोग हैं अभी? हाँ जी हाँ। ये देखो जी मटन करी है ये, और ये भी इनकी यहाँ की स्पेशल रेसिपी है देसी घी वाली। देसी घी वाला मटन 90 रुपए का भाई साहब। इसमें चाप भी है और नली भी है, मछली भी है। वाह, मटन करी की जो प्लेट है वो पैक हो रही है। ये 90 रुपए वाली प्लेट है और इसके अंदर एक चाप का पीस आ गया। ये क्या लग रहा है भाजी? मटन 2 पीस। ये लग रहा है जी 2 पीसेस मटन के, और ये है जी 170 रुपीज का, 170 रुपए का। भाजी आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा पीस होता है मटन का? मटन का? हाँ जी, सारे फेवरेट है, मटन की कोई बात नहीं है। मटन की कोई बात नहीं, जो भी आए ठीक है। क्या बात है, ये है कीमा कलेजी। तो भाई साहब इसकी ग्रेवी दिखाओ सर एक बार। ये देखो जी पूरा का पूरा एक कंटेनर जो है भर के रखा हुआ है कीमा कलेजी। आधा खाली हो चुका है? आधा खाली हो चुका है। और आधा डिनर के लिए? आधा डिनर के लिए। ये है जी आपकी 170 रुपीज वाली प्लेट। सर इसके साथ क्या क्या देते हैं आप? रोटी, नान, पराठा। और राइस भी होते हैं? राइस भी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो राइस है, रोटी है, नान है, पराठा, लच्छा पराठा है, ओनियन नान है। दिखाइए सर एक बार, वो भी दिखाइए। लगा मेरा बात, लच्छा पराठा है क्या? तो ये है जी शंभू भैया, और तंदूरी जो सेक्शन है वो शंभू भैया ने संभाल रखा है। भैया क्या बना रहे हो? रोटी, लच्छे पराठे, नान। क्या बात है, रोटी, लच्छे पराठे, नान, तंदूरी, जो भी आप लगवाना चाहो यहाँ से लगवा सकते हो। ये इधर तंदूरी रोटियां लग रही हैं जी, 7 रुपए की एक तंदूरी रोटी है। ये आ गया जी आपका तंदूरी रोटीज का एक लॉट। ये देखो जी, ये लग रहा है लच्छा पराठा कसूरी मेथी वाला। ऊपर ये घी लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे भैया? ये मक्खन है जी। बहुत ही बड़ा सा तंदूर है उसके अंदर, ये लच्छा पराठा लग रहा है। और इधर भैया जो है शंभू भैया बैक टू बैक तंदूरी रोटियां लगा रहे हैं, मक्खन से रोटियों को पेंट कर रहे हैं। ये देखो भाई साहब, ये लग रहा है जी मक्खन, और शंभू भैया ना भर भर के लगाते हैं। भैया इतना, ये तो पूरा कमरा का पेंट है, ये तो आपने 3-4 रोटियों में लगा दिया है भैया। हाँ ये है जी लच्छा पराठा, और इस पर लगाइए भैया मक्खन, ये पूरा पेंट हो जाएगी। ओ भाई
वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। कसूरी मेथी जो खिल के आई है ना, हिमा कलेजी की प्लेट, ये देखो कितनी शाइनी, कितनी ब्राइट, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है यार। ओ वाह, ये कितने की सर? 130। ये है जी 130 रुपीज़ की। ये देखो चिकन, चिकन के पीसेस चेक करो यार। ये देखो तरी, ओ वाह 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 वाह, देसी घी वाला चिकन, ना कड़छी रुकती है ना हाथ रुकते हैं। वही हम यही चाहते हैं, चलता रहे बस, चलती का नाम गाड़ी है। बाकी पीसेस कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई नहीं है। वाह, और करोल बाग में होने का सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि करोल बाग में दिल्ली के बाहर से बहुत लोग आते हैं, तो इनके जो दीवाने हैं वो दिल्ली के बाहर से बहुत लोग हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए आपके, और आपने बोला है कि यहाँ जाके आओ। मुझे नहीं पता था कि भाई इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर जगह है कि मुश्किल से आपकी टर्न आती है, भीड़ लगती है पूरी। ये है जी कीमा। वाह, कीमा साइज देख लो कितना है। ये देखो जी कीमे का साइज़ देखो आप, बड़े बड़े पीसेस हैं कीमा कलेजी के, चिकन मटन और कीमा कलेजी। चिकन है जी 70 रुपए से शुरू, मटन है जी 90 रुपए से शुरू, और कीमा कलेजी की प्लेट 130 रुपए की। और इसके साथ आप राइस ले लो, रोटी ले लो, नान ले लो, पराठा ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत बढ़िया। उनके क्या प्राइसेस हैं सर रोटी नान के? रोटी 7 रुपए की है, लच्छा पराठा 25 रुपए का, बटर नान 30 रुपए का। और ये है जी लच्छा पराठा, बढ़िया वाला, एक कसूरी मेथी लगाई हुई सर। हाँ जी, कसूरी मेथी लगाई हुई, लच्छे पराठे के ऊपर कसूरी मेथी है जी। और ये भी घी में या मक्खन में? ये मक्खन में। ये है जी मक्खन में, और स्वाद का पूरा ध्यान रखा हुआ है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ये बासमती है सर, सेला है? ये सेला चावल, सेला चावल है जी। और साथ में आ गया जी ये चिकन लेग पीस, और बढ़िया ग्रेवी, और ग्रेवी में जो खड़े मसाले हैं इतने बढ़िया, उसका अरोमा आ रहा है, उसमें खतरनाक। कीमा भी डालते हैं जी चिकन में भी? एक कलेजी का पीस भी देते हैं चावल के साथ। अच्छा, चावल के साथ आप कलेजी का पीस भी देते हैं? कीमा देते हैं, कीमा भी डालते हैं ऊपर से। और ये कितने की प्लेट है सर? ये 100 रुपए की। 100 रुपए की प्लेट है चावल और चिकन। और मटन वाली सर? 120 की। सेला चावल आ गए, और ये आ गया जी मटन, ये देखो। ओहो हो हो हो, जी 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 जी, बहुत बहुत बढ़िया। और इसमें भी देखो एक कलेजी और कीमा। वाह, कलेजी और कीमा कालजा लुट के ले गया है ना, बहुत बड़ी गल होगी। वाह जी वाह, ये है जी 120 रुपीज़ की प्लेट, और ये 100 रुपीज़ की प्लेट है जी, बहुत बढ़िया। ये इधर बन रहा है जी साग मगज, ये भी एकदम अलग चीज़ है, एकदम यूनिक है। और ये देखो, वाह, साग वाली ग्रेवी में मगज, ये ऊपर से हरिया धनिया, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। बढ़िया से पक के आपका साग मीट जो है ये आ गया जी सीधा सर्विंग के लिए तैयार। कितने का भी है ये? ये है जी 130 रुपए का साग ब्रेन, ये चार लेग पीसेज हैं जी। ऊपर से आ गया रोगन, मस्त। इसमें भी देते हैं सर आप कलेजी वगैरह? बहुत बढ़िया, इसमें भी कलेजी का पीस है जी। भाजी लोकेशन क्या है आपकी? गली नंबर 75 रागरपुरा करोल बाग। और टाइमिंग्स क्या है अपनी? 12 से 11। 12 से 11 मतलब सुबह 12 बजे चालू, 11 बजे रात के 11 बजे। बहुत बढ़िया सर, और रेट्स वही 70, 90, 120। हरप्रीत जी बहुत आपने प्राइसेस बहुत बढ़िया रखे हुए, इसका क्या कारण है? तो हमें सेल चाहिए, हमें 50 किलो सेल चाहिए हमें। क्या बात है, हम 50 किलो बेचते हैं, 50 किलो रोज। हाँ वाह वाह वाह, बेसिकली सेल के ऊपर आपने नंबर के ऊपर ध्यान दिया, नंबर के ऊपर ध्यान दिया, हमें 2-4 किलो भेजना। हमने ऐसे कोई शक्ल नहीं देखनी, हमें ऐसे करते रहना है। क्या बात है, क्या बात है। एक चिकन, एक मटन, और 6 रोटियां, और 2 बटर बटर, और 220 रुपए रोटी बटर नहीं है, 240 रुपए पूरी पानी, 260 रुपए। अब कैसे अचीव कर पा रहे हैं, और इसमें मसाले वगैरह ऊपर से देसी घी में बनने वाला चीज है, तो कैसे आप अचीव कर पा रहे हैं? वही सेल के ऊपर है, 50 किलो सेल होगी तो अपने आप सब कुछ निकलेगा जी, और वही 5-10 किलो बेचोगे तो कुछ नहीं निकलेगा जी जी जी। हमें सेल के ऊपर अपना फोकस रखा हुआ है कि हमें 50-60-70 सेल करनी है। बहुत बढ़िया, तो मतलब मेनली आपका जो फोकस है वो सेल के ऊपर, सेल के ऊपर जितना ज़्यादा डिमांड होगी जी आपका मार्जिन उतना बढ़ता जाएगा, जितनी कम होगी उतना दोस्त भी आते जाओगे। और सुबह कितने बजे आप बनाना शुरू कर देते हैं? सुबह 8 बजे शुरू होता है बनाना, 12 बजे रेडी हो जाता है, 12 बजे सब करना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, 8 से 12 मतलब 4 घंटे के अंदर आपका सामान तैयार हो जाता है? 4 घंटे लगते हैं, वीकली इकट्ठे। मंगल छुट्टी होती है, मंगल ये काम करना है, मसाले सुखा के पसाने हैं, भूज के जी। और मटन और चिकन वो डेली सुबह लग रही है हमारी प्लेट। सबसे पहले तो साग मीट की प्लेट लग रही है जी, ये आ गया एक प्यारा सा पीस, नली और दस्ती का पीस है जी, और ऊपर से आ गई ये बढ़िया सी ग्रेवी, एंड मज़े आने वाले हैं आज तो। इसको देख के इतना मुंह में पानी आया ना मेरे, वाह
बढ़िया सी एक चाप। ये पुट का पीस है जी, पाजी ने आज सारे पीस ही ट्राई करा देने। और ये देखो बढ़िया ग्रेवी आ गई, ऊपर से आएगा जी कीमा। आई विश आई कुड मेक यू स्मेल द अरोमा, इतना खतरनाक है ना, इतना खतरनाक अरोमा यहाँ पे, मज़ेदार। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये 170 वाली है और वो 180 वाली है भाई साहब। ये है जी आज का हमारा स्वाद बटांदरा। सबसे पहले तो ये देखो, ये साग मीट है जी, इधर है जी मटन करी, और ये आ गई तंदूरी रोटियां, ये है जी लच्छे पराठे, और इधर है प्याज और चटनी। और भाई साहब ये पूरा का पूरा जो ये टेबल सजा हुआ है ना, इसका जो प्राइस है इट्स लेस देन 500 रुपीज़। कैन यू बीट दैट? अपन इदा करते हैं, मटन दे दुआले हो जाने हैं, मटन साग वाले दे। ये देखो जी टेंडर जूसी पीसेस ऑफ मटन, एकदम बढ़िया। वाह, ओहो, रेशे देखो भाई साहब अंदर है। कोई गल बात? 90 रुपये भाई जी, 90 बाबे, 90 रुपये च कुछ नहीं मिलना भाई। इधर हुण मेरे हाथ वैसे साग वाले हो गए, बट स्टिल ये है जी आपका मटन करी। तो मटन करी, ओ भाई एक बात तो है भाई साहब, अगर आप 50 किलो दिन का बेच रहे हो ना, तो मीट जो है, जो बुचर होता है ना, वो आपको मीट भी बहुत टॉप क्वालिटी का देता है। एकदम करारी तंदूरी रोटी। ये है जी मटन, ओहो मटन तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा भाई, सारे डाल लो, मटन तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आहा, ये आ गया जी मटन, डिप इट इनटू द ग्रेवी, हियर्स अ बाइट। देखने में लग रहा है कि भाई साहब बहुत सारे मसाले होंगे, बहुत सारा कुछ होगा, बट एक्चुअल में मटन स्टॉक का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। मटन का जो अपना जो मीटी एक फ्लेवर होता है ना, वो है, एंड बाकी जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत सटल हैं। मतलब मेनली इट्स द मटन करी में बहुत मीठा मीठा सा, बहुत मीठा मीठा सा मसालों का फ्लेवर है। करी में भी ज़्यादा करके प्याज और टमाटर, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार है यार। ये है जी साग मीट, और ये मटन के जो पीसेज हैं ना, बहुत ही ज़्यादा टेंडर हैं, जूसी हैं, मज़ेदार। ये है जी तंदूरी रोटी क्रिस्पी वाली, इधर से ये उठाते हैं जी मटन। आपको दिखाने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुझे बोटी का पीस जो है वो टूटा हुआ मिल जाता है। ये है जी साग मीट, ओए होए, भर भर के साग। Here's a bite. सरे कल बात लग गया, साग में भी वही मसाला है, हल्की सी मिठास है। मुझे लग रहा है इनका जो सीक्रेट मसाला, जो खड़े मसालों वाला जो गरम मसाला बनाया हुआ है ना, उसमें सारा जादू है। मीट को ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार एक कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसका मसाला, वो जो खड़े मसालों वाला, और ज़्यादा फ्लेवर्स मीटी, ज़्यादा फ्लेवर्स जो स्टॉक के और मटन के खुद के जूसेस के फ्लेवर्स हैं। मसालों के फ्लेवर्स ऑन द सटल साइड है, मीट का फ्लेवर बहुत ज्यादा है, मजेदार है। तंदूरी रोटी एकदम क्रिस्पी है, यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव। कमेंट करके बताओ कि अगर आपने सरदार जी मीट वाले का चिकन या मटन खाया है तो आपको कैसा लगा, और अगर आपने नहीं खाया है तो ये बताओ कि भाई साहब यहाँ कब आ रहे हो। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साड़ियाँ आ रही हैं तो जौदा हजदा ते वजदा रहे साडा पंजाब, नाले साडा हिंदुस्तान। जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो कि कैसे पंजाब में एक सरदार जी 100 रुपये में 15 पीसेस दे रहे हैं चिकन के, तो हियर्स द वीडियो।